हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद शिफा। मैं हूँ शिफा और आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं मेरी पर्सनल फेवरेट रेसिपी चिकन चिली की। ये एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी है और सबकी फेवरेट होती है। आप इसको फ्राइड राइस के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ खाइए, ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, क्योंकि ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपको लेना होगा बोनलेस चिकन। तो मैंने यहाँ पे लिए है 250 ग्राम बोनलेस चिकन और इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब डालेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस। अब डालेंगे इसमें हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे 1 अंडा। अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी कम है तो आप सिर्फ सफ़ेदी डाल दें, मैं पूरा अंडा डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे और मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे आधे घंटे के लिए साइड पे। आधे घंटे बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के, फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा और अब इसको भी अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई लम्प्स बिल्कुल भी फॉर्म ना हो। अब इसको भी हम लोग साइड पे रख देंगे फ्राई होने के लिए। तब तक मैं अपनी ग्रेवी की प्रिपरेशन आपको बता दूं। मैंने यहाँ पे ली है 5 से 6 हरी मिर्चियाँ का एक हाफ अनियन को स्लाइस किया है और दूसरे हाफ को ऐसे क्यूब्स में काटा है। एक शिमला मिर्च को ऐसे लंबा काटा है और 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक को चॉप किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने सॉस के लिए 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून केचप लिया है। उसको अच्छे से मिक्स करके मैं अब इसको साइड पे रख दूँगी, ये मैं अपने सॉस में डालूँगी। ऐसे करने से पहले ही सब कुछ मिक्स हो जाता है और बाद के लिए हमें इजी पड़ता है डालने के लिए। तो अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। सबसे पहले हाई फ्लेम पर तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद फ्लेम लो करके एक एक चिकन का पीस इसमें डाल देंगे। हम लोग ज़्यादा क्राउडिंग नहीं करेंगे, उससे क्या होगा तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है और जो चिकन है वो अंदर से कच्ची रह जाती है। तो आप कम पीसेस ही डालें और लो फ्लेम पर इसको पकने दें। अच्छे से क्रिस्प गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए आपकी चिकन ऊपर से। अब जब तो आपको लगे एक साइड हो गई है तो फिर टर्न कर लेंगे। जब सारी साइड्स अच्छे से हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। थ्रू आउट मैंने इसको लो फ्लेम पे ही पकाया है, लो से मीडियम फ्लेम। अब हम इसको निकाल लेंगे और रख लेंगे साइड पे बाद के यूज़ के लिए। देखिए कितने अच्छे से मेरी सारी चिकन गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत ही क्रिस्प है इसकी कोटिंग और ये अंदर से भी अच्छे से पक गई है। अब बनाते हैं ग्रेवी। उसके लिए मैंने एक पैन में तेल डाला और जो भी मैंने ग्रेवी की चीज़ें ली थी, प्याज, हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक का चॉप किया था वो भी डाला है। आप इसमें फ्रेश जिंजर गार्लिक को ही चॉप करके डालिएगा तो ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप पेस्ट डालेंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, तो चॉप करके ही डालेगा। अब अच्छे से इसको सॉटे करेंगे, फ्लेम हाई होनी चाहिए। आप जब भी इंडो चाइनीज़ बनाए फ्लेम आपकी हाई रहती है, बिकॉज हमें इसको सालन की तरह नहीं पकाना होता है, बस सॉटे करना होता है, सॉफ्ट करना होता है सारे वेजीज़ को। तो अभी बाकी का प्याज और शिमला मिर्च भी डाल देंगे और अच्छे से इसको हाई फ्लेम पे सॉटे करेंगे। अब डालेंगे नमक। नमक चखके डालिएगा, बाद में भी आप डाल सकते हैं कम ज़्यादा, बिकॉज सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है। मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून डाला है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। फिर जो मैंने यहाँ पे मेरा सॉस का मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो डाल दूँगी। ऐसे मिला के रखने से देखिए ईजीली हमें डालने मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी फ्लेम हाई है तो सॉसेस जलने का चांसेस होता है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था, उसको पानी में मिला दिया। उसी सॉस के बर्तन में मैंने ये किया ताकि जो भी बचा कुचा सॉस है वो भी मैं डाल सकूँ।
तो इसकी स्लरी बना के अब मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए अपनी ग्रेवी की, इसको अच्छे से हिलाते रहिए, क्योंकि कॉर्नफ्लावर थिक होता है, जितना आप उसको पकाएंगे उतना वो थिक होएगा और आपको पता चलेगा आपको अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो मुझे ये एक अच्छी ग्रेवी जैसे बनानी है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, मुझे इसको ड्राई नहीं करना है। तो देखिए इसका कलर भी अच्छे से आ गया है। मैं डार्क सोया सॉस यूज़ करती हूँ, अगर आप लाइट सोया सॉस यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, मेरे लिए 1 टीस्पून इनफ हो जाता है। अब जब बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें अपने चिकन के पीसेस डाल दूँगी और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से बस एक बार स्टर कर लूँगी। और ये रेडी है, बहुत ही यमी सा चिकन चिल्ली। आप घर पे इसको बनाइए, मेरी तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, आई एम श्योर आपको ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। गार्निश करिए इसको स्प्रिंग अनियंस के साथ, सर्व करिए फ्राइड राइस या फिर रोटी के साथ और इन्जॉय करिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलेगी। मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय।